जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन सा ग्रह खराब है और किसकी दृष्टि से आपके काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं। आज हम 5 ग्रहों के बारे में अध्ययन करेंगे, चंद्रमा, मंगल, शनि, गुरु और केतु। आप खुद जान सकते हैं कि आपका कौन सा ग्रह खराब है जब आपके साथ ऐसी घटनाएं घटित होती है। सबसे पहले बात करें चंद्रमा ग्रह की। अगर आपका चंद्रमा खराब है तो आपका ताला लगाने के बाद 2-3 बार उसे चेक करते हैं। भविष्य को लेकर बेवजह डरे रहते हैं, हर बात को सख्त की निगाह से देखते हैं। माता का स्वास्थ्य खराब रहता है, नींद या तो बहुत ज्यादा आती है या सो ही नहीं पाते हैं। घर की दीवारों पे सीलन है और घर में नल टपकते हैं। दूसरा बात करें मंगल खराब है तो आप मन की बातों को मन में ही रखकर घुटते रहते हैं। आपको गुस्सा अत्यधिक आता है, रिस्क लेने से डरते हैं, किसी से अपनी बात कहने से डरते हैं, कर्ज से पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं। कर्ज उतरते तो तैयार रसोई व्यवस्थित रहती है, सर्वाकिल की शिकायत हो जाती है। बात करें अगर शनि ग्रह खराब है तो हर काम में आलस आने लगे, बाल तेजी से झड़ रहे हैं, माथा काला निस्तेज पड़ रहा है, जुआ या बुरे व्यसन लग रहे हैं, न चाहते हुए भी झूठ बोलना पड़ता है, पैरों में तकलीफ बनी रहती है, घर में चोरी हुई या आग लग जाती है, मेहनत के अनुरूप फल प्रदान नहीं होता। बात करें अगर गुरु ग्रह खराब है तो कैसा प्रभाव पड़ता है, कल्पनाओं में खोए रहते हैं, निर्णय लेने में दूसरों की सलाह लेनी पड़ती है, पैसे की बचत नहीं कर पाते हैं, तूंद बढ़ जाती है, पाचन शक्ति कमजोर होती है, आपको अपने ज्ञान पर अहंकार होता है, नास्तिक हो गए हैं और स्वार्थी हो जाते हैं। बात करें अगर केतु ग्रह खराब है तो कैसा प्रभाव होता है, आप सोचते बहुत है और करते कम। मंदिर में भगवान के सामने उबासी बहुत आती है, सोशल मीडिया से देखकर बिना सोचे समझे उपाय कर रहे हैं, तांत्रिक क्रियाओं के बिना गुरु की कर रहे हैं, घर वालों से ज्यादा दोस्त अच्छे लगने लगे हैं, घर में बनते बनते कार्य रुक जा रहे हैं, चमड़ी संबंधी रोग होते हैं। तो ये थी 5 ग्रहों के खराब होने के लक्षण। आशा आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। आज के लिए इतना ही, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।